students, get ready for the prayer. Close your eyes and join your hands. Ek jate chingari mahan la, ek jate chingari, ek jate chingari mahan la, ek jate chingari. चकमक लोडू घसता चकमक लोडू घसता खर्ची जिंदगी तारी महान एक जे चिंगारी एक जे चिंगारी महान एक जे चिंगारी जम गरीमा तनको ना पाड़ियो जम नगरी माँ तनको ना पाड़ियो न पड़ी मेहनत मारी महान ला एक जे चिंगारी एक जे चिंगारी महान ला एक जे चिंगारी चांदो सड़ियो सूरज सड़ियो चांद सड़ो सूरज सड़ो सड़गी आब अटारी महान ला एक जे चिंगारी एक जे चिंगारी महान ला एक जे चिंगारी ना सड़गी एक सगड़ी मारी ना सड़गी एक सगड़ी मारी वात भी पतनी बारी महान ला एक जे चिंगारी एक जे चिंगारी महान ला एक जे चिंगारी ठंडी माँ मुझे काया कतरे ठंडी माँ मुझे काया कतरे खूटी धीरज मारी महान ला एक जे चिंगारी एक जे चिंगारी महान ला एक जे चिंगारी विश्वान लहू अधिक न मांगू विश्वान लहू अधिक न मांगू मांगू एक चिंगारी महान ला एक जे चिंगारी एक जे चिंगारी महान ला एक जे चिंगारी एक जे चिंगारी महान ला एक जे चिंगारी Father, we thank thee for the night and for the pleasant morning light, for rest and food and loving care and all that makes the world so fair. Help us to do the things we should to be to others kind and good. In all we do and in all we say, help us to grow more loving every day. Good morning, everyone. Today's thought is, a well-educated mind will always have more questions than the answers. This thought is given by Helen Keller. I'm repeating the thought once again. A well-educated mind will always have more questions than answers. Thank you. Good morning, everyone. Today's news headline. Indonesian passenger flight to remain suspended till December 31. Nokia 2.4 India launch set for today. Dual cameras, big display and expected price. Third one, today's India tackling terror with new policy and process. PM Modi. Coronavirus vaccine will be ready in 3-4 months, says Health Minister Harshvardhan. Thank you.
Today's special, according to the Farmers' Almanac, Thanksgiving occurs this year on November 28th. The latest date is can possibly occur. The last time Thanksgiving landed on the 28th was in 2013 and before that 2002. Thanksgiving Day, annual national holiday in the United States and Canada, celebrating the harvest and other blessings of the past year. Americans generally believe that their Thanksgiving is moderated on 162 harvest feast shared by the English colonial of Polymath and the Wampanoag people. Thank you. Good morning, everyone. Respected Father George Varghese, Principal Ma'am, and all my dear teachers, parents, and all my dear students. आज का जो स्पीच है वो स्पीच नहीं बोलते उसको थोड़ा मैं पेरेंट्स के साथ थोड़ा डिस्कशन करना चाहती हूँ. न्यू जनरेशन के बारे में बताना चाहती हूँ. आज के जो बच्चे हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ. जो बच्चे हैं वो हमारा कहना नहीं मानते हैं. बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे हमको मिलने आते हैं, वो भी हमको बोलते हैं मैडम स्कूल में हम लोग आप जो करवाते हो हम घर पे बोलते हैं, वो हमारा घर पे बिल्कुल सुनते नहीं है. क्योंकि हमारा जो बच्चे नहीं मानते हैं उसमें पेरेंट्स का भी बहुत सारा उसमें सपोर्ट होता है. कैसे कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स उनको सिखाते हैं कि बेटा मत मानो. हम सब पेरेंट्स ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारा कुछ सुने और हमारी जो बात बोली हुई है वो करे. पर क्या होता है, एक दो एग्जांपल छोटे एग्जांपल देके मैं बताना चाहूँगी कि पापा मम्मी उनको ऐसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, उनको ऐसे एटमोसफियर क्रिएट करते हैं जो बच्चा देख के सीखता है. कैसे कि पापा बाहर गए हैं, बच्चे को साथ में लेके गए हैं, बाजार गए हैं, फोन आया, फोन पे बता रहे हैं कि कोई भी फैमिली में से फोन आया, हेलो कहाँ हो, हाँ मैं है ना रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ. बच्चा देख रहा है अरे पापा तो मार्केट में खड़े हैं और बोल रहे रेलवे स्टेशन पे खड़ा, तो वो दो बात देखा उसने. पापा उसको घर पे बोल रहे झूठ मत बोलो, यस ऐसा सिखा रहे हैं हम हमारे बच्चे को, कोई भी बात को झूठ नहीं बोलना है, सही बोलना है, सच बोलना है, वो सिखाते. फिर पापा खुद उनके सामने बच्चा बाजू में बगल में खड़ा है बोल रहे मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ और बोल रहे बच्चा देखा पापा रेलवे स्टेशन पे नहीं खड़े, पापा तो मार्केट में खड़े. तो उसने दो साइड देखा कि बच्चा कौन सा राइट यस बोले या नो बोले. वो बोल रहा है कि मैं पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव, क्योंकि पापा क्या बोल रहे हैं वो दोनों साइड से उसने देखा. मम्मी बोल रही है टीवी नहीं देखना है, टीवी नहीं देखना है. क्यों टीवी देख रहे हो, क्यों इतना टीवी पूरा दिन बैठ के देख रहे हो. फिर मम्मी क्या बोलती है, मम्मी के पास कोई फ्रेंड आती है, जा बेटा टीवी देख ले. क्या माने बच्चा टीवी ना देखो या देखो, है ना. फिर मम्मी बोल रही है मोबाइल मत देखो, मोबाइल नहीं देखना है. क्यों इतना दिन पूरा दिन मोबाइल लेके बैठे हो, मोबाइल टच नहीं करना है, आंखें खराब होती है, ये खराब होता है. मम्मी को काम आ जाता है ले बेटा थोड़ी देर मोबाइल खेल ले, मैं ये है ना वो काम फिनिश करके आपको फिर ये करवाती हूँ वो करवाती. तो क्या है कि पेरेंट्स ही खुद कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं वहां पे. वो बच्चा देखता है उसके बाद ही वो सीखता है. और दो साइड के पेरेंट हमारा बोलने का तरीका दो साइड का होता है, इसीलिए बच्चा भी कंफ्यूज है झूठ बोलूं या ना बोलूं, मोबाइल देखूं या ना देखूं. तो हमको खुद छोटी छोटी बातें हैं ये जो हमको ऐसा समझ में नहीं आएगा कि हाँ मैडम ने जो बताया जो बोला वो तो होता ही रहता है, नॉर्मल चीज़ें हैं. पर उसका इफेक्ट छोटे बच्चों पे बड़े बच्चों पे बहुत सारा होता है. तो मैं ये बोलना चाहिए तो बहुत सारा इस पर बोल सकते हैं, एक घंटा निकल जाएगा. तो मैं सिर्फ पेरेंट्स को यही बात बताऊंगी
कि हमारे जो बच्चे हैं उनका बिहेवियर, उनका लाइफ हमारे हाथ में है। हमारा जो बिहेवियर हम फैमिली बैकग्राउंड में होता है, बाहर होता है, तो वो बहुत ध्यान से हमको उनके सामने पेश आना है। और हमको ध्यान रखना है कि हमारे थ्रू ही हमारे बच्चे, हम जो संस्कार देंगे वही उनमें आएगा। फिर ऐसा नहीं बाहर वालों से देख के सीखा, नहीं, वो बाहर वालों से कुछ नहीं सीखता है, हमारे बैकग्राउंड जैसा है वही बच्चा हमारा होता है। तो प्लीज़ सब पेरेंट्स को मैं बोल रही हूँ, अभी ऑनलाइन क्लासेस जो हो रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं देखता है, वो एक आपका नेगेटिव थॉट है। वो नेगेटिव थॉट आप उनको मत डालो उनके माइंड में, वो लोग करेंगे ही। पॉजिटिव थॉट डालो बच्चे के माइंड में, तो वो श्योर वो लोग वीडियोस देखेंगे और वो लोग पढ़ेंगे। और क्या है कि हम जो उनमें डालेंगे वही वो लोग ऐसा कि उनकी लाइफ में आएगा। तो मैं एक ही बात ऐसा बताऊंगी कि बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए हमारा, और हम जो जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं वो बच्चों को ध्यान में रख के करें, और बच्चों के सामने नेगेटिव बिल्कुल नहीं बोले। थैंक यू एवरीवन। Let's take place together. Start. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall respect my parents, teachers and all my elders and treat everyone with courtesy. I pledge my devotion to my country and its people. My happiness lies in their well-being and prosperity. Jai. Good morning, all of you. Magical line. I am the best. God is with me. Today is my day. I can do it. I am winner. I am very happy. I am very healthy. I love and respect everyone. I love my school and nation. Thank you.